नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मार्केट टाइम टीवी चैनल पर। आज 1 नवंबर 2021, दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, एग्रो जीन्स के ऊपर क्या संभावना बनेगी और आने वाले समय के अंदर क्या रुख रह सकता है, इसका विस्तृत विश्लेषण हम इस शो में करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि हमने आपको सोयाबीन के ऊपर एक विशेष शो किया था और यही कहा था कि सोयाबीन ऊपरी स्तरों से लगभग 40% घटने के बावजूद, बाजारों के अंदर सोयाबीन की दामों में बेहताशा कमी के बावजूद, सरकारी प्रयास इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर कमी की भी संभवतः खाद्य तेलों की तेजी को लगाम लगाने में असमर्थ साबित हो सकती है। गौरतलब है कि सोयाबीन एवं ऑयल सीड की बेताशा गिरावट के बाद भी खाद्य तेलों में अपेक्षित कमी नहीं दर्ज हुई है। अब सवाल ये है कि उपभोक्ता यानी कंज्यूमर खाद्य तेलों पर पुराना भाव दे रहा है मामूली कमी के साथ, सोयाबीन के फसलों का नुकसान यानी दामों में कमी के वजह से किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, तो लाभ किसको मिल रहा है? अपने कमेंट्स आज भी अपने इस शो के अंदर आप नीचे दें। दोस्तों ये भी एक ध्यान देने वाली बात है, जब भी भारत सरकार कोई आयात शुल्क में कमी करती है तो विदेशी निर्यातक देश एक्सपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी कर देते हैं, तो इससे लाभ भारत को नहीं मिलता है। यही समस्या हमारे पड़ोसी मिल्क पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है, वहाँ पर भी यही सेम समस्या है। और ये गौरतलब है कि ये समस्या हमेशा रहेगी, जब तक भारत खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर नहीं होगा, इसके ऊपर बड़ा भागीरथी प्रयास नहीं होगा, इसी तरह से भारत की जनता को बड़े वे दाम देने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज और कोई रास्ता नहीं है। जब दाम बढ़ने से पहले सरकार यदि समुचित मात्रा में भंडारण करे निचले स्तरों पर, तो इसका लाभ पूरे देश को मिल सकता है। जब दामों में बढ़ोतरी हो तो सरकार अपना स्टॉक, बफर स्टॉक रिलीज कर उस दामों के अंदर किसानों को एवं उपभोक्ताओं दोनों को फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि MSP के ऊपर सोयाबीन हो या सरसों हो या कॉटन हो, ये कोई किसान बेचना नहीं चाहता। अतः MSP के भाव बाजार भावों के साथ में मेल करके एक उचित MSP का भाव दर्ज करना इसका एकमात्र रास्ता है। बाजार भाव, लागत, मुनाफा, इन सभी का एक समीकरण बने तो ही किसान माल देगा, अन्यथा नहीं देगा। दोस्तों ये हमारा सुझाव आपको कैसा लग रहा है, आप अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। आज सबसे पहले एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावनाएं बनती है? आज एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर तेजी का रुख रह सकता है। जीरे में तेजी के संकेत हैं, हल्दी भी तेजी का रुख अख्तियार कर सकती है और ऑयल सीड के अंदर यानी तिलहन पैक के अंदर मुझे सोयाबीन में तेजी नज़र आ रही है। तो दोस्तों आज का जो एग्रो कमोडिटीज़ का रुख को आप ध्यान से समझें और उसके ऊपर अमल भी ला सकते हैं या अपना निर्णय भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले स्वयं का अध्ययन, विवेक अपने सलाहकार से अवश्य जांच कर लें। शेयर बाजार के अंदर आज तेजी का रुख बन सकता है। मेटल स्टॉक्स में नज़र रखिए, रियल इस्टेट यानी भवन निर्माण के स्टॉक्स में नज़र रखिए, पेंट्स के स्टॉक में नज़र रखिए, इन सेक्टर्स के अंदर आज तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। आप नज़र रखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सरकार, भारत सरकार की सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील पर नज़र रखिए, देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी। नज़र रखिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, नज़र रखिए एशियन पेंट्स के ऊपर, इन स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। गौरतलब है समय पर मुनाफा वसूल करना अत्यंत आवश्यक है यदि आप छोटी अवधि के ट्रेडर्स हैं तो। बुलियन, आज बुलियन के अंदर, चांदी के अंदर नीचे से तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। गौरतलब है पिछले सप्ताह भी बड़ा उतार चढ़ाव रहा और जो हमने अनुमान दिए वो सत्य भी साबित हुए, आज आप बुलियन के अंदर मंदी करने से बचें। दोस्तों याद रखिएगा, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार हो या फिर कृषि जीन्स,
भारतीय रहस्यमय विद्याएं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अक्सर सत्य साबित होती है, चाहे वो मानसून हो, चाहे पेंडेमिक कोविड 19 हो, चाहे प्याज के दाम हो, चाहे सरसों सोयाबीन के भाव हो, कॉटन कपास के भाव हो, इन सभी पर सटीक विश्लेषण आपको हमेशा लाभ मिलाता है। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि भारत की रहस्यमय विद्याओं को पुनर्जीवित किया जाए। विदेशी आक्रमणकारियों ने लगातार इसके ऊपर हमले किए, इसको नष्ट किया, लेकिन हम लगातार भारतीय विद्याओं के संरक्षण, रिसर्च, अनुसंधान में प्रयासरत रहे पिछले 25 सालों से। आपसे भी आह्वान करते हैं कि यदि आप इसको सीखना चाहते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, ये वो रहस्यमय विद्या हैं जो सदियों तक गुप्त रहती थी। लोग अपने नज़दीक के रिश्तेदार से भी शेयर नहीं करते थे, लेकिन इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों हुआ। नुकसान ये हुआ कि इन विद्याओं को लुप्त होती चली गई गुप्त, और कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने जब इन पर हमले किए तो ये विद्या पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेकिन कहा जाता है कि सृष्टि के अंदर आप पूरी तरह से किसी को नष्ट नहीं कर सकते, अवशेष बचते हैं, उन अवशेषों को ही हम सहेजने का काम कर रहे हैं, विश्लेषण करने का काम कर रहे हैं, इकट्ठा करना का काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं हजारों हजारों लोग इसको सीखें, इसको समझें, और एक नई जमात, एक नया भारत, एक नया विश्वगुरु फिर हम लोग पुनः स्थापित करें, ऐसी हमारी कामना और विश्वास है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।